हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है कल्पेश गर्ग और अपने इस वीडियो में आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि IRTC पर अपना अकाउंट कैसे बनाया जाता है। कई बार हमें ऑनलाइन टिकट बुक करने होते हैं, चाहे वो फ्लाइट के हो, रेलवे के हो या फिर बस के हो। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपने मोबाइल को यूज़ कर IRTC पर ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना है IRTC। उसके बाद आपको ये ऊपर सबसे पहले वेबसाइट दिखेगी, www.irctc.co.in। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। दोस्तों, ये जो है वो IRCTC की वेबसाइट है और ये मोबाइल के अंदर खोलेंगे तो आप इस तरह से आएगी। यहाँ पे देखिए, आप फ्लाइट, होटल, कैब, कैटरिंग, हॉलीडेज, टूरिस्ट ट्रेन, हिल रेलवे स्टेशन, चार्टर ट्रेन, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से बुक कर सकते हैं और SBI के कार्ड से भी ये होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना यूज़र नेम डालना है। और यहाँ पर आपको पासवर्ड टाइप करना है। चलिए यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। एक बार यहाँ पर मुझे वही पासवर्ड रीटाइप करना है। चलिए मैं एक बार फिर से रीटाइप कर लेता हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वो इसलिए होता है कि जब कभी आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो इस सिक्योरिटी क्वेश्चन की मदद से उसको आप रिट्रीव कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से मैं एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेता हूँ, व्हाट इज़ योर पेट नेम, और यहाँ पर मैं उसका आंसर लिख रहा हूँ। अब प्रिफर्ड लैंग्वेज आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर मैं इंग्लिश ही लिख रहा हूँ। उसके बाद नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम लिखना है। चलिए मैं लिख देता हूँ, कल्पेश कुमार गर्ग। यहाँ से आप अपना जेंडर सिलेक्ट कर लें। यहाँ से चलिए डेट ऑफ बर्थ हम सिलेक्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लिए। अब मैं ऑक्यूपेशन सिलेक्ट कर लेता हूँ, पर मैरिटल स्टेटस मैरिड या अनमैरिड वो सिलेक्ट कर लेंगे। कंट्री में इंडिया ऑलरेडी लिखा हुआ है। यहाँ पर नीचे हम एक ईमेल आईडी डाल देते हैं। अब यहाँ पर नीचे मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। पर डालने के बाद यहाँ पर नीचे आपको नेशनलिटी, किस देश के निवासी हैं आपको ये सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको अपना फ्लैट नंबर, हाउस नंबर डालना है। चलिए मैं डाल देता हूँ। मैं स्ट्रीट डाल देता हूँ, लोकेलिटी डाल देता हूँ, पिन कोड नंबर डाल देता हूँ, स्टेट डाल देते हैं, यहाँ से सिटी और टाउन, पोस्ट ऑफिस। अब ये पूछ रहा है कि आपका जो रेजिडेंस का एड्रेस है उसको ऑफिस के एड्रेस से कॉपी करना है, तो यस। अब यहाँ पर नीचे ये कह रहा है, प्लीज़ इन्फॉर्म मी अबाउट IRCTC SBI कार्ड थ्रू फ़ोन, ईमेल, SMS। अगर आप ये नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हो तो यहाँ पर टिक कर दें, नहीं चाहते हैं तो इस टिक को हटा दें, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, टिक मैंने हटा दिया। अब ये जो कैप्चा यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसको आप यहाँ पर डाल दीजिए। अब यहाँ पर नीचे आप इसको टिक करेंगे और यहाँ से रजिस्टर करेंगे। अभी कह रहा है, यूअर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर विल बी वेरीफाइड ऑन फर्स्ट लॉगिन, प्लीज़ एंश्योर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर आर करेक्ट। अब ये कह रहा है कि आपने जो मोबाइल नंबर डाला है और ईमेल डाला है उसको आपको फर्स्ट लॉगिन करेंगे तब वेरीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से अभी मैं इसको ओके कर रहा हूँ। अभी हम कह रहा है कि सक्सेस, यूज़र रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है, थैंक यू, यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड,
ये मेरा यूज़र आईडी है, रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, वेरीफाई योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल टू इंजॉय योर सर्विस, योर यूज़र रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन मेल हैज़ बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, क्लिक टू लॉग इन एंड एक्टिवेट योर अकाउंट। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपने जो यूज़र नेम बनाया वो डालेंगे, नीचे पासवर्ड डालेंगे, जो कैप्चा दिखाई दे रहा है वो हम यहाँ डाल देते हैं, HU7 HU7 6W, और यहाँ पर हम करते हैं रिक्वेस्ट OTP, इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं और साइन इन करते हैं। चलिए अब हमें ये कह रहा है कि आप अपना मोबाइल नंबर जो है वो वेरीफाई कर लीजिए, तो मैं अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेता हूँ। यहाँ पर वेरीफाई मोबाइल नंबर विथ OTP, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और अब हमारे मोबाइल पर एक OTP आएगा जो हमें यहाँ पर डालना होगा। ये मेरे मोबाइल पर एक OTP आ गया है दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपना OTP डाल दिया है। अब सबमिट द OTP, आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर वेरीफाइड। पर इसी तरह से मुझे अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करना है, तो यहाँ पर मैं वेरीफाई ईमेल आईडी पे क्लिक करूँगा। अब मेरे ईमेल आईडी पर एक OTP आएगा, चलिए हम वो चेक कर लेते हैं। अब मेरे पास एक फिर से ईमेल आया है और इस ईमेल के अंदर एक OTP है, वो OTP मैं यहाँ डाल रहा हूँ। अब ये मैंने OTP यहाँ पर डाल दिया है और OTP डालने के बाद हम यहाँ पर सबमिट OTP पर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि मेरा मोबाइल नंबर वेरीफाइड है और ईमेल आईडी भी वेरीफाइड है। तो अब हम पर क्लिक करते हैं, क्लिक हियर टू लॉग इन अगेन। अब हम वापस से लॉग इन करने वाले हैं, क्योंकि पहली बार लॉग इन किया तो उन्होंने हमारा मोबाइल नंबर वगैरह वेरीफाई करने के लिए कहा था। तो एक बार फिर से अब लॉग इन करते हैं। यहाँ पर यूज़र नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पर नीचे जो कैप्चा अभी दिखाई देगा वो यहाँ पर डाल देंगे। तो चलिए ये कैप्चा जो है मैं डाल देता हूँ, EFMGFMQI, और यहाँ से हम साइन इन। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हेलो कल्पेश कुमार गर्ग, ये हमने इसमें साइन इन कर लिया है। अब यहाँ से हम जो चाहे वो कर सकते हैं, ट्रेन फाइंड कर सकते हैं, PNR स्टेटस देख सकते हैं, फ़्लाइट स्टे, ये सारी चीज़ें हम इस पर बुक कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करें कि आप क्या जानना चाहते हैं, तो यहाँ से मैं आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी दे दूँगा कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। आज तक के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Thank you.